हमास के इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा पर चढ़ाई कर दी थी, जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही, साथ ही हूतियों ने अमेरिका को भी नाको चने चबवा दिए। अमेरिका ने हूती पर लगाम लगाने के लिए करीब 10 देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया, लेकिन थोड़े वक्त में ही उसकी भी हवा निकल गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर कई बार हूती के हथियार डिपो पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उससे हूती और भी ज्यादा आक्रामक होकर लाल सागर से आगे हिंद महासागर समेत अरब सागर तक अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने लगा। उसके इन हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों ने तौबा कर ली। और अब अमेरिका ने 16 अक्टूबर 2024 को यमन के भीतर हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने ये हमला अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया। अमेरिका ने यह हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था। हूती पर नकेल कसने के लिए बाइडेन को अपना सबसे ताकतवर हथियार उतारना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है, क्योंकि हूती ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर 2024 को अरब सागर से गुजर रहे मेगालोपोलिस जहाज पर ड्रोन अटैक किया है। हूती ने दावा किया कि उसका ये हमला सक्सेसफुल रहा है। हूती के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस जहाज को कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए निशाना बनाया गया। عملية استهداف لسفينة ميغل أبولوس في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله ونفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية LSEG سے ملے ڈیٹا کے انصار مالٹا کے جھنڈے والا کنٹینر جہاج मेगालोपोलिस अभी ओमान के सलाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर हमले के साथ ही हूती के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती ने हमास के चीफ याया सिनवार की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इजरायली शत्रु ये मानते हैं कि सिनवार की शहादत से गाजा में प्रतिरोध मोर्चा ध्वस्त हो जाएगा या उसके लड़ाके हतोत्साहित हो जाएंगे तो वे भ्रम में हैं। सैयद अल हूती ने आगे कहा कि हमास एक आंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही दृढ़ और समर्पित रहा है, अपने संस्थापक और कई प्रमुख नेताओं की शहादत के बावजूद डगमगाया नहीं है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का झंडा नहीं छोड़ेगा, युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आपको बता दें कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री चरमरा गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस रूट पर एक साल में करीब $1 ट्रिलियन का सामान होकर गुजरता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ही ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हूती का दावा है कि उसने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि एक जहाज अभी भी हूती की कैद में है। इसके अलावा हूती के हमलों में 2 जहाज लाल सागर में समा चुके हैं।